नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार गौतम, आपका इस वक्त बस्ती चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं EKYC के बारे में। हाँ दोस्तों, राशन कार्ड EKYC आपका न्यू अपडेट आया है। तो दोस्तों, EKYC कराना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे EKYC के बारे में। तो दोस्तों, पहले ये बात करेंगे EKYC बनेगा कैसे, हम लोग का EKYC कैसे करवाएंगे। तो पहले हम लोग को जाना पड़ेगा डीलर के पास, और EKYC जरूरी चीज़ क्या है, आपको आधार कार्ड का नंबर और राशन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड में लिंक फ़ोन नंबर वो तीन लगेगा, और आपका फिंगर, आपकी पूरी फैमिली का फिंगर भी ज़रूरी है, फिंगर लगेगा। दोस्तों, पहले हम क्या करते थे, जैसे कि हमारे परदादा डेथ हो गया तो हम उनके नाम से राशन लेते थे, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं रहेगा। और दोस्तों, EKYC करवाने के लिए हम लोग को फिंगर, पूरे सदस्यों का फिंगर बहुत ज़रूरी है। अब जिसका डेथ हो गया है वो तो उसका फिंगर लगेगा नहीं, और फिंगर नहीं लगेगा तो EKYC होगा नहीं। दोस्तों, EKYC नहीं होगा तो आपका राशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। जिसका EKYC, जिसका फिंगर लगेगा उसको ही राशन मिलेगा। तो दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि मतलब कि जो बाहर कमा रहा है उसका, जैसे कि मुंबई, गोवा, गुजरात, बॉम्बे, कहीं पर भी कमाई कर रहा है, तो उसका EKYC कैसे होगा। इसका लास्ट डेट भी आ गया दोस्तों, आपको लास्ट डेट बताएंगे लास्ट वीडियो में, तो बताएंगे जैसे कि कोई बाहर है और उसका EKYC कैसे करवाना है। तो सरकार का एक नियम है, सरकार का कहना ये है कि जो जहाँ पे है वहाँ पे EKYC करवा सकता है, अगल बगल कहीं कोटेदार की दुकान है, कहीं कोटे की दुकान है, तो जाकर EKYC करवा सकता है। तो दोस्तों, लेकिन जो कोटेदार है वो इंतजार कर रहा है, बोल रहा है नहीं करेंगे, जहाँ से करवाया हो, जहाँ से आपका राशन लेने का हक है, जहाँ से आप लेते हो राशन, जहाँ से आपका राशन कार्ड बना है वहीं से आपका EKYC होगा, यहाँ से नहीं होगा। दोस्तों, अब मामला फंसा दो चीज़ों में, सरकार के आदेश है तो करवा देंगे, लेकिन कोटेदार नहीं कर रहा है। इसका डेट है 30 सितंबर, 30 सितंबर के अंदर अंदर आपको EKYC करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपका EKYC नहीं हुआ तो आपको राशन नहीं मिलेगा। और दोस्तों, कई लोगों के मन में ये विचार होगा कि जैसे कि हम 30 सितंबर के पहले बनवा लें, ठीक है, मतलब जैसे 30 सितंबर के बाद नहीं बनवा पाए तो हमारा राशन कार्ड बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। आप 30 सितंबर के बाद 2-4 महीने के बाद आएंगे वापस, तो आप लौटे जाकर अकेले बनवा भी सकते हैं, लेकिन आप बनवाने के बाद फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, राशन मिलना फिर से चालू हो जाएगा, लेकिन EKYC करवाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं एक बार ये फिर बताना चाहूँगा, जैसे कि आपके फैमिली में 7 सदस्य हैं और एक सदस्य चला गया बाहर कमाने, मुंबई, गोवा, गुजरात, कहीं की भी चला गया कमाने, और 6 सदस्य आपके घर पर हैं, तो जो 6 सदस्य हैं वो EKYC करवा लिए, 6 के 6 EKYC करवा लिए, तो उनका राशन तो मिलेगा। बाकी जो नहीं करवाए हैं, जो मतलब डेट उनका बीत गया, डेट तो बीत गया, नहीं करवाए हैं, उनका राशन नहीं मिलेगा, बस उनका नहीं मिलेगा, आपको तो मिलेगा। और लेकिन 4-5 महीने के बाद आएंगे रिटर्न, फिर EKYC करवाने पे आपका राशन चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, EKYC आज के डेट पर बहुत ज़रूरी है, और डेट ख़त्म होने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि EKYC करवा लीजिए। आपको वह चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।